सो है गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का ब्लैकटोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, इस तरह का फोटो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी अपने फोटो को सेम टू सेम इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देख लेना, ताकि आपको एडिटिंग सीखने में कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइस, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की कमाल की वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को स्नैपसीट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन करना है, एंड इसके बाद आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप लोगों को अपने फ़ोटो को अपने गैलरी से ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोटो को जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने मॉडल का फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहला स्टेप था आप लोगों को पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना है। और ट्यून इमेज पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने फ़ोटो की ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है इसको भी, एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, एंड इसके बाद इसके अम्बाइनेंस को थोड़ा सा प्लस कर देना है, एंड हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, एंड शेडो को थोड़ा सा प्लस कर देना है। मज़ा आया। एंड इसकी लास्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर देना है एकदम थोड़ा सा 10 के आसपास, एंड यहां से आप लोगों को राइट क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहां तक हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो इसके बाद आप लोगों को पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, एंड पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डिटेल्स वाला टूल पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है 20 के आसपास, एंड इसकी शार्पिंग को थोड़ा सा प्लस कर देना है 10 के आसपास, या फिर 20 के आसपास इसको भी कर सकते हैं, एंड यहां से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। ओके, तो इसके बाद आप लोगों को अगेन पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर लेता हूं मैं भी, और पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो नीचे पर आप लोगों को एक पोर्ट्रेट का टूल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्मूथ वाला वन पर क्लिक कर देना है, स्मूथ वन पर। तो स्मूथ वन पर मैं भी क्लिक कर लेता हूं, एंड इसको क्लोज कर लेता हूं, एंड क्लोज करने के बाद आप लोगों को इसकी फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड इसकी स्किन स्मूथिंग को थोड़ा इसको भी प्लस कर देना है, एंड यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर लेना है। ओके, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा स्नैपशीट में इतना तक एडिटिंग हो चुका है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं, एंड इसके बाद आप लोगों को अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको शेयर कर देना है। ओके गाइस, तो हमारा मॉडल का फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। तो चलिए फिर चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। ओके, तो यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑल फोटो पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आप लोगों को नीचे पे एक ऐड फोटो का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने गैलरी से एक प्रीसेट को ओपन कर लेना है, ऐड कर देना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो गाइस, प्रीसेट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ हूँ, आप लोग वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर लेना। तो ओके, तो इसके बाद आप लोगों को अपने प्रीसेट को ओपन कर लेना है सबसे पहले, और इसके बाद आप लोगों को ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, एंड यहां से आप लोगों को कॉपी पर क्लिक कर देना है, एंड कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पे किसी भी टूल को टिक नहीं करना है, ऐसे रहने देना है, एंड यहां से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है ऊपर से। ओके, तो इसके बाद आप लोगों को अपने फ़ोटो को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने मॉडल का फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं 3 डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे पे एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे आप पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का अपने फ़ोटो डार्क टोन में इफेक्ट एडिटिंग हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना ऑसम सा दिखने लगा है अपना फ़ोटो। सो गाइस, इसको फुल एचडी में सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऊपर शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप लोगों को सेव डिवाइस कर देना है। ओके, सो आई होप आप इस तरह का ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग करना सीख चुके होंगे। सो गाइस, वीडियो पसंद आते तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को ऑल पर भी क्लिक कर देना, ताकि इस तरह के एडिटिंग वीडियो जब भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक आते रहे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।